और वो ये इसको कोई स्पेशल, इसको रोटी कहते हैं, बेशक रोटी की तरह नहीं है, रोटी की तरह बेशक नहीं है, लेकिन ये चीज रोटी थी, ये फलजीरा बना हुआ है इतनी ज्यादा। ये भी है, वो भी है, ये भी है, ये भाई ड्राई फ्रूट्स जो अभी लेके आए थे वो गए, ये भी क्या कहते हैं तोशा, ये इधर भी तोशा, बाकी दूसरी नॉर्मल मिठाई ये भी पड़ी है भाई। और ये भी ड्राई फ्रूट है, इधर से उधर भी जाओ। अच्छा, और वो अभी भाई एक पैक भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं पूरी भाई, रात को कहता रहा जल्दी से हो जाओ जल्दी से। ये भाई आकिब और साकिब स्ट्रीट, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अच्छा भाई, अभी जो है ना दिन के तकरीबन 6:30 हुए हैं और हमने मंडी कितने बजे जाना था, 5:30-6 बजे तक जाना। तो थोड़ा सा अभी भी लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी ना मतलब मंडी अभी चल रही होगी। सब्जियां वगैरह लेनी है, आपको पता है शादी की, घर है, घर में हज़ार चीज़ों की ज़रूरत है। तो अभी बस निकलने लगे हैं। मौसम भाई माशाल्लाह कमाल हुआ खड़ा है फ़िलहाल, तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाद का पता नहीं, बाद का मौसम कैसे होता है। तो अभी बाइक पर हम जाने लगे हैं सब्ज़ियाँ लेने के लिए। क्या क्या खरीदना है भाई? बड़ी लंबी लिस्ट है, ये मसाले जो होते हैं, लहसुन प्याज टमाटर मिर्च, टमाटर सबज मिर्च, धनिया, लीमू, सही हो गया। तो वो लेने जा रहे हैं, देखते हैं क्या सीन वहाँ मंडी में चल रहा है, किस तरह से मिलते हैं, खरीदना भी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। पहले कभी इस तरह का किया नहीं, बहुत पहले किया था। ले लिया फिर तो हमें, ये भाई गट्टू है, इसमें डाल के लाएंगे जो हम कद्दू शद्दू टमाटर मिर्चें खरीदेंगे। चलो भाई, कद्दू तो इलावा, हाँ मिर्चे टमाटर। रात को जो है ना भाई आकिब के घर सोए थे इधर। हाँ जी, ये भाई देख रहे हो आम, पेटियां ही पेटियां, ये वही आम है जो हम उस दिन पेटियां भरते हुए आपको दिखा आए थे। मतलब वही फार्म के नहीं है, हैं किसी और फार्म के। बोलियां लग रही, सवा छे सवा छे। आम चेक करो भाई, दुशहरी। अच्छा भाई, हमें सब्जियां लेनी है, फ्रूट वाली तरफ तुम्हारा काम ही नहीं है। नहीं नहीं सब्जी, ये मिर्चें यहाँ पे, मिर्चें कुछ रेट पूछ ले, 300 का 5 किलो, ये 5 किलो। भाई बारिश हुई है ना तो मंडी में सारी ना कीचड़ बनी है, इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। अच्छा ना इधर पड़ी हैं सब्जियाँ, वो भाई करेले चेक कर कितने बड़े बड़े, प्याज पूछ यहाँ से, मिर्चें ये भी यार, मिर्च वो वाली लेनी है जो कड़वी हो, ये मेरे ख्याल में पता। टमाटर कहीं और से पूछ लेते हैं। यहाँ पे मिर्चें 100 रुपये किलो मिल रही है खुली, और पैकेट 5 किलो का था ना, कितने का, 300 का। हाँ भाई आलू, भाई आलू का की रेट है 300 तो जड़ी, 300 का 5 किलो लगा हुआ है, 300 का 5 किलो देना, 5 किलो करवा लो यहाँ से भाई, 5 किलो ले लेते हैं जी आलू। अच्छा ये आलू फ्रेश हैं, हाँ बिल्कुल ना, मतलब कटे कुटे हुए नहीं हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कुछ छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं। तीन सौ का 5 किलो, 300 का 5 किलो। आगे चलाओ, लिम लेने हैं, मिर्चें टमाटर लहसुन साथ में बैठे इससे पूछते हैं। अच्छा भाई अभी यहाँ से ना है ना प्याज भी लेने हैं, ये एक ये कैटेगरी पड़ी है, और ये के लाल वाली पड़ी है, लाल वाली लेनी है। हाँ भाई कौन सी कैटेगरी लेनी है यार, हमने साथ चेकलिस्ट हमारी बड़ी सारी है, तो ये भी साथ टिक करते रहना। हाँ अभी हमने क्या लिया, आलू, आलू फिलहाल भूल ना जाए कहीं आलू। एक भाई इधर भी डाल देना, 8 किलो। अच्छा भाई हमने 2 धनिया यानी कि 10 किलो लेने हैं,
अब इधर दे, ठीक हो गया जाए जी? ठीक है। यहाँ से लीमू ले रहे हैं एक किलो 170 बता रहे हैं, 170 रुपए जी किलो लीमू बता रहे हैं जी। मिर्चें किधर से करवा लें? 1.5 किलो, 1.5 किलो मिर्चें भी कर देना, सही सही डालना यार, गली हुई ना हो। ये इधर ही रखते हैं, अभी नहीं डालते। अच्छा, जो बोरी है ना, हम इधर रख के ना आगे जा रहे हैं, बाकी के जो सामान है खरीदने। बारिश की वजह से ना यहाँ पे भाई ये सारा जो है ना कीचड़ बन गया, मंडी की ना हालत बड़ी खराब हुई खड़ी है भाई, मौसम खराब हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी ले ले हैं बारिश हो इससे पहले। 5 किलो 5 किलो टमाटर शापर दे दो भाई। इधर भाई देखो सारे आम पड़े हैं, 700 रुपए दे। ये वही दुसहरी है जो मैं अगले दिन लेके आते, इनके साइज चेक करो छोटे छोटे। अच्छा मंडी की जो है ना भाई सब्जियाँ सब्जियाँ हमारी हो गई हैं। चल भाई इसको भी उधर डाल, निकले अब चल, एक बार तो उठाना साइड पे तो निकालना इसको, इधर ले इधर ले। वजन है ज़्यादा, अब ये दोनों को उठा के लेके जाना पड़े। चल पकड़ ये भाई, पेठे पड़े हैं ना पेठे। सारे लोग इधर बाइक्स खड़ी करते हैं और फिर आगे लेने जाते हैं भाई। मंडी से हमने हो लिया है सामान भी, हमने ले लिया है, बड़े जल्दी जल्दी ले लिया हमने। अच्छा भाई टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्चें, लीमू, आलू और प्याज पलट छुड़े हैं। हाँ पलट छुड़े, ये पड़े रहने दे, बस ये निकल गए हैं, अब खुद ही रख लेंगे जहाँ रख लेंगे। अच्छा भाई तो सामान लेके आ गए हैं, अभी वापस सोने का प्लान है। ये बड़ी जल्दी उठ के गए थे तो अभी तक तो नाश्ता कुछ भी नहीं बना, तो नींद आ गई तो सो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। और अली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, ये कहता है मुझे भी साथ ले गए कंपनी दे, कंपनी देने के लिए यार। भाई रश होता है मंडी में अच्छा खासा, और आज तो बारिश की वजह से ना तो वैसे भी बड़ी हालत ख़राब थी सारे, मतलब जो जगह थी ना कीचड़ से भरी पड़ी थी। हाँ भाई इसको मुँह तेरा भी सही से खुल नहीं रहा है, तो अभी रेस्ट करते हैं, फिर नाश्ता वगैरह बनेंगे तो नाश्ता करेंगे। अच्छा भाई अभी जो है ना हम क्या करवाने हैं, मज़दा सामान ले जाए, सामान जो उठाना है ना आकेब और आकेब की दुल्हन का भाई घर का सामान जो होना है तो वो उठाना है, तो उसके लिए ट्रक का हमें करवाना है। तो अभी दोस्त के पास आए हैं गजनफर के पास, आपको पता है भैया ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम वही है, तो पूछते हैं अगर कोई है इस तरह का सीन, इतना दूर भी नहीं जाना ना, कितना 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तो देखते हैं कोई अवेलेबल है या फिर आगे गड्ढा है वहाँ से पता करेंगे। ट्रक भी हम करवा के हैं जो सामान ले के आएगा, तकरीबन 4 बजे हमें सामान मतलब उठाने जाना है, ऐसे ही है ना, तो वो भी डन हो गया है। बस अभी नाश्ता करने लगे हैं, नाश्ते में ये पता नहीं पाए का शोरबा या आलू का शोरबा जो भी, बड़ा टेस्टी है, साथ में अंडा है साथ में पराठे हैं, तो नाश्ता कर लेते हैं। एक निवाला ले लिया तो फिर मुझे याद आया व्लॉग भी बनाना है, डू इट फॉर द व्लॉग, तो नाश्ता कर लेते हैं फिर चाय शाय पियेंगे और बाकी की जो सारी रूटीन होगी वो भी शेयर करेंगे। धनिया पिसी हुई 1 किलो, धनिया 1 किलो। अच्छा भाई नाश्ता वगैरह करके ना अभी हम आए थे जिधर जो है ना देखों का सामान लेने के लिए, ये हमारी लिस्ट बनी हुई है, बस लिखवा दिया सामान वगैरह तो बस निकाल के फिर ले जाएंगे। आपको पता है मेहमान आए हैं तो उनके लिए खाना वगैरह भी बनना है। हाँ भाई देख के सामान सारा हो गया, अभी तो बाद में उठाना है। अच्छा भाई जो इमरजेंसी की चीज़ ने ये शैम्पू और ये कुछ वो बनाना था, फलजीरा बनाना, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं, बाकी जो देख का सामान हमने कह दिया वो बाद में उठा लेंगे आकर। अभी यहाँ से फ्रूट लेने हैं जी, लिस्ट है ना,
ये है वो मेडी पे जो देते हैं ना, लास्ट टाइम हम भी लेके गए थे वही वाले लेने के लिए आए हैं, पैक भी करवाने हैं लेकिन यहाँ से फिर लेके जाएंगे पैक कहीं और से करवाने। कितने किलो होंगे ये आलू खड़ा करवा रहे हैं, साथ में खुबानियाँ और साथ में केले भी करवाने। केले कितने? केले दो दर्जन। ज़्यादा हो जाएंगे यार। कोई नहीं, टोकरी शोकरी। अच्छा आड़ू आ जाएंगे, आड़ू 3 किलो, आड़ू और सेब 3 किलो, और आम कितने हैं? वो भी 3 किलो हैं। बड़े हैं टोकरियों में, पूरे नहीं आने। दो टोकरी बनेंगी। हाँ दो नहीं बननी, ज़्यादा हो जाना, अभी दूसरी भी चीज़ें डालनी है। सही सही भाई ना, जैसे मैंने कहा ना फिर कहीं और ना जाए, बेफिक्र हो जाए। भाई सेब का जो है ना अभी तक कह रहे हैं सीज़न भी नहीं स्टार्ट हुआ, तो सेब जो है ना अभी ग्रीन वाला आ रहा है और मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फिलहाल नहीं है इस तरह से, तो वो हमने फिर कैंसिल कर दिए। उसकी जगह पर हम आड़ू को ही 2 किलो कर रहे हैं और हो गया, डन हो गया। मैं भाई जब हम लेके जाते रहे तो हम तो वहीं फ्रूट वाले के पास ही पैकिंग होती थी, वहीं से करवा के जाते, लेकिन ये अब लेके हमें मिठाई वाले के पास जाना पड़ेगा। अच्छा भाई आम भी लेने हैं, ये सिंधी जो मिल्क शेक के लिए यूज़ होते हैं, इनमें से ना मतलब दरमियाने साइज़ के डाल दो, मिक्स कर दो ना कुछ, 3 किलो ना, 1.5 किलो ये वाले कर दो और 1.5 किलो वहाँ से। फ्रूट वगैरह सारे हो गए हैं, अभी ये मिठाई वाले के पास लेके चलना है। हाँ वज़न बड़ा इनका, आराम से जाएं, चापर ना फटे। अच्छा भैया अभी जो है ना मिठाई वाली शॉप पे आ गए हैं और ये सारे फ्रूट वगैरह भी ले आए हैं। मिठाई की टोकरियाँ कौन सी बन गई हैं भाई? वो ये इधर भाई जो है ना मिठाई की टोकरियाँ भी बन गई हैं। अच्छा इतनी ज़्यादा? ये भी है, वो भी है, ये भी है। ये भाई ड्राई फ्रूट्स जो अभी लेके आए थे वो हो गए हैं, ये भी क्या कहते हैं तोशा, ये इधर भी तोशा, बाकी दूसरी नॉर्मल मिठाई ये भी पड़ी है भाई। और ये भी ड्राई फ्रूट है, इधर से उधर भी जाओ। अच्छा और वो अभी भाई एक पैक भी हो रही है, ये भाई अभी मिठाई को यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, लुटा दे। तो बस अभी पैक, इधर मुजम्मिल लोग भी आए हुए थे, ये कोई घर मेहमान है? नहीं थोड़ा सामान चाहना है। अच्छा जी, तो ये भाई छोटा छोटा डब्बा पैक करवा के भी लेके जा रहा है भाई। मैंने कहा था ना आके हमने हमारी शादी से बहुत कुछ ना कॉपी करके सीखा है, तो दो नंबरियां कर रहा है। असल में ना जब हमारा मायों का फंक्शन था ना तो बहुत कम लोग थे, मतलब हमारी फैमिली थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब रिश्तेदार वगैरह बुलाए हुए हैं, तो ये लड्डू वगैरह जो है ना फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा टोकरियाँ बन गई। अच्छा अभी जो है ना हम भाई वो स्वीट वाली मिठाई की बैक साइड पर हैं जहाँ पर मतलब सारा प्रोसेस चल रहा होता है ना, इधर ये अंकल बना रहे हैं जी मिठाई, माशाल्लाह तेज़ी तेज़ ताज़ी ताज़ी जो है ना जलेबियाँ बन रही हैं, ये इधर बन भी चुकी हैं यार, इधर देख के दिल करता है खाओ, लेकिन जब बंदा डाइट का सोचता है ना फिर कहता है यार रहने दो। और इधर ये गुलाब जामुन बन रहे हैं, ये बड़े गुलाब जामुन हैं छोटे साइज़ के, इधर ये रसगुल्ले ये भी जमे हुए फिलहाल, ये भी मिठाइयाँ भाई ज़ोर शोर से बन रही हैं, सारे पैक करवा दें। फ्रूट्स भी में हमारे जो है ना आलमोस्ट पैक हो गए, एक ये बन गई है, एक ये टोकरी बन गई है, दो मुजम्मिल लोग उठा के लेंगे, बाकी फिर हम दो चक्कर लगा के उठा के ले जाएंगे। अच्छा भाई तो फाइनली सारा सामान जो है ना हम लेके आ गए हैं जी घर, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या बना, टोकरियाँ कर दी हैं भाई। इधर देखो भाई माशाल्लाह से ये रहे जी, क्या कहते हैं इनको मुझे नाम भूल जाता है, तोशा, ये दो बनवाई हैं टोकरियाँ तोशा के लिए, ये क्योंकि भाई वहाँ पे जो गेस्ट आएंगे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये भाई पतासे वाला, हाँ वो पुराना हो गया, हर कोई देता है, हाँ हम ये। तो इधर बाकी जो है ना भाई ये ड्राई फ्रूट्स हो गए 2 टोकरियाँ, ये 2 टोकरियाँ फ्रूट्स की होगी और ये 1 टोकरी होगी जी मिठाई की। लेकिन भाई दूल्हा खुद लगा हुआ काम का, वैसे यार दूल्हा जो है ना ये बात है, कब शादी? परसों है ना, परसों बेचारे की बारात है और आज बेचारा जो है ना मेडी की वो माइयों की जो है ना चीज़ें तैयार कर रहा है। लेकिन कोई नहीं भाई, शादी भी तो तेरी, लड्डू भी तो तूने ही खाना ना शादी में। बाकी सामान तो ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया था, एक चीज़ रह गई थी और वो ये, इसको कोई स्पेशल, इसको रोटी कहते हैं, बेशक रोटी की तरह नहीं है, रोटी की तरह बेशक नहीं है, लेकिन ये चीज़ रोटी थी, ये फलजीरा बना हुआ है, हलवा भी कह सकते हो आप इसे, तो ये बना है, अम्मा लोगों ने भी बनाया था, आपने देखा था, ये भी एक लाजमी आइटम होती है, मिठाई फ्रूट्स वगैरह सबके साथ ये भी दी जाती है, तो हम भी चेक करवाएं टेस्ट कैसा है इसका, ये आपने हमें बस दिखाने के लिए लाया, मैं दिखाने के लिए, वैसे तो दिखाने के लिए, चलो फिर टेस्ट करवाएं कैसा है, तो अभी टेस्ट करते हैं कि सिस लोगों ने कैसा बनाया और हमारा कैसा था, वो तो मैंने खाया हुआ था ना, तो ये चीज़ जो ये जो चीज़ बनी पड़ी है ना वो भाई इधर भी आ गई है, कोई ड्राई फ्रूट कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, हमें डाल के दिया इन्होंने, नहीं यार देखो ना बताया, अंदर मिक्स किया अंदर मिक्स ये भाई दिखाने के लिए फिर ऐसे करना पड़ता है, तो ये जो है ना ट्राई कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस दुआ करो ठीक होए। अल्लाह मदद करे। वही है फलजीरा जो बनाया है ना आपने, वही चीज है। ये अभी सूख जाना है फिर क्रिस्टल से बन जाने इसके, बिल्कुल जैसे मतलब बन जाता ना पाउडर टाइप, पंजीरी टाइप, वैसे ही बन रहा है। बस ना मैं मीठे कितना ज्यादा शौकीन नहीं हूँ तो बस ट्राई करना था। ज़ायका तो अच्छा है ना। हाँ टेस्टी, मतलब जिस तरह की होती है वही चीज़ है। भाई आप चेक, दूल्हा ने रोका हुआ है कि जब तक मैं ना खाऊं खुद नहीं खा। तो माशाल्लाह भाई टेस्टी बना हुआ है। चलें भाई अब ये आप ले जा सकती हैं, आके भी ये ले भाई, ट्राई तो कर ले यार। 3 बज गए और अभी जो अनिदर भाई देख पक चुकी है, मायों के फंक्शन के लिए अभी सबने जाना है तो उससे पहले भाई खाना खा कर ही जाएंगे। तो देख पक चुकी है, दम लग चुका है, चिकन ठीक है, चिकन खा के आई सब मायों का फंक्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना शायद लेट हो सकती है। वाह जी वाह, माशाल्लाह भाई चिकन तैयार हो चुका है, क्या टेस्टी लग रहा है। छा गया दादाजी, तुझे छा गया चाचा। ये भाई मसाला भी पा, मसाला अंकल ना थोड़ा सुनते काम में तो बहुत जोर से बोलना पड़ता है। मसाला मसाला अच्छा भाई, तो खाना आ चुका है और चिकन बना हुआ था बिल्कुल प्योर चिकन, कोई आलू शालू नहीं डाले। भूख भी बड़ी लगी हुई है भाई, सुबह नाश्ता किया था, अभी तकरीबन 3 बज गए, खाना ना देख के चक्करों में लेट हो गया। तो खाना खा लेते हैं, मेरे तो मुंह में पानी भी आ रहा है, मैंने 2 दिन वाले खा लिए, बहुत चंगा लग रहा है। ये चाचा जो बैठे हैं ना इन्होंने स्पेशल बनाया सालन, कह रहे हैं बहुत चंगा लग रहा है, वीडियो बनाएं दो यार। बस देख लो चाचा। अच्छा भाई तो रात के तकरीबन 10 बज गए और आकिब का घर भाई माशाल्लाह से सज चुका है शादी के लिए और ज़बरदस्त लग रहा है, प्यारा लग रहा है वो एंड तक आ गए अंदर भी। और मैं अभी बस माइयों का फंक्शन ख़त्म हुआ है, वो जहेज़ का जो सामान लेके आना होता है वो लेके अभी घर पहुँचाऊँ। पता नहीं मेरी हालत कैसी है, मैंने तो देखी नहीं है गाड़ी, मैंने वो मस्जिद में पार्क की है तो सोचा भाई व्लॉग भी साथ साथ आपको दिखाता जाऊँ। ये सीन चल रहे हैं गली में भी, ये लगाई हुई हैं लाइट्स वगैरह ना माशाल्लाह। हाँ जी भाई, तो सुबह हो गई है और अभी हम सो के उठे हैं और जैसे ही उठे ना तो कामों का सुना है तो हैरान परेशान। इसको तो भाई टेंशन की नींद आ रही है। भाई बहुत से काम रहते हैं करने वाले, मुझे अभी वापस एक बार घर भी जाना है, अपने कपड़े उठा के लाना है। मैंने अभी ये शर्ट पहनी और नीचे से आकिब की सलवार पहनी हुई है, कपड़े मैं लेके नहीं आया था, मैं इस प्लान से नहीं आया था कि मैं इतने दिन रुक जाऊँगा, मतलब वापस जाना था सामान लेके फिर आना था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि कामों की वजह से वापस नहीं जा सका। तो अभी मैंने घर भी वापस जाना है, कपड़े उठा के लाऊँगा और अम्मा लोगों को भी लेके आऊँगा। तो फिलहाल भाई नाश्ता करना है, मुँह हाथ धोते हैं, कपड़े शपड़े चेंज करता हूँ, जो अपने पहन के आया था वही पहन के वापस घर जाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेडी का फंक्शन, मायू का फंक्शन रात कल हो गया था, रात को काफ़ी लेट आए थे, फिर सामान वगैरह भी घर में कुछ सेट करना था, कुछ हो गया कुछ वैसे पड़ा वो आज हो जाएगा, तो आपको फिर दिखाऊँगा कि क्या क्या किस तरह से है। हाँ जी भाई, नाश्ते में कितनी देर है? नाश्ते में बस 2 मिनट लेट है, नाश्ता करो तो अपना अपना काम मन लाग। फिर से कम हो मैम? बिल्कुल इतने काम में ये भाई मुझे ना घर नहीं जाने दे रहा, मैं अजीब कश्मकश में फंस गया हूँ। चलें जी खैर, तो नाश्ता करते हैं फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट डे अपने डेस्टर के लिए दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए मैं वीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।